हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड योर चैनल्स फिजिक्स एसपीसी। लॉज ऑफ मोशन नीट का एक क्वेश्चन। अ स्मॉल ब्लॉक एम इज प्लेस्ड अंडर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये 5 kg पर एक स्मॉल एम वाला ब्लॉक प्लेस्ड है एंड लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये लेंथ जो दे रखी है हमें, ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अ कॉन्स्टेंट टॉर्जेंटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ऑल द सर्फेसेस आर एज्यूम टू फ्रिक्शन लेस। द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक एम सेपरेट फ्रॉम द 5 kg ब्लॉक। ये 5 kg वाला ब्लॉक कितने टाइम इंटरवल में इसे स्मॉल एम से सेपरेट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो सॉल्यूशन, देखो ये जो अगर हम ग्राउंड से देखें, कहाँ से देखें, ग्राउंड से, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां से अगर देख रहे हैं तो इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है 10 kg एक्सटर्नल फोर्स। एक इसका वेट लग रहा हो एक्सटर्नल और एक आपका नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, तीन फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ये तो 10 न्यूटन इस पर लग रहा है ना, 5 kg पर, एम पे थोड़ी लग रहा है। तो अगर हम FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg, 10 kg FBD बनाए इसका, तो देखो अगर मैं FBD बनाऊं 10 kg का, तो ये आपका 10 kg, सॉरी 5 10 kg का यार, 5 kg का, तो 5 kg ब्लॉक का FBD बनाऊं तो इस पर एक तो दे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ये रहा। और इनिशियली मान लो कि आप ये ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों रेस्ट में हैं, ये एज्यूम कर सकते हो, या इनिशियली आप ये भी मान सकते हो कि ये दोनों मूव कर रहे हैं। दो केस हो सकते हैं इसके, कि इनिशियली इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि ये जो ब्लॉक है वो इनिशियली रेस्ट में है या मोशन में है, 5 kg वाला ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में है, ये मेंशन नहीं किया इसमें। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियली दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, और ये भी एज्यूम कर सकते हैं, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक मोशन में है यू स्पीड से, है ना। तो मैं दोनों केस से करके दिखा दूंगा आपको। इनिशियली मैं ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये दोनों ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है। चलिए अब मैं कह रहा हूँ इस पर 10 न्यूटन जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो FBD बना रहे हैं 5 kg का, तो इस पर एक तो 10 न्यूटन लग रहा है और एक इसका अर्थ फोर्स लगा रही होगी एम 5 g, और एक नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा एन, और एक इसका भी नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा एन वन। ओके, ऐसे ब्लॉक मोशन में नहीं है, ऐसे ब्लॉक मोशन में नहीं है, और तो इसीलिए एन जो बैलेंस करेगा वो एन वन प्लस 5 g को करेगा। एक ये किसने लगाया जानते हो, ये ब्लॉक एम भी तो नॉर्म इसे दबा रहा हुआ, प्रेस कर रहा हुआ नीचे तरफ, ये एम द्वारा लगाया गया, इस पर क्या है नॉर्मल एक्शन। ठीक है, चलिए समझ में आया ये। अच्छा, और इस पर नेट फोर्स जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो 10 न्यूटन नहीं है, तो नेट फोर्स ऑन 5 kg, ये तो बैलेंस हो गया भाई, तो नेट फोर्स ऑन 5 kg इज इक्वल टू वो 10 न्यूटन ही है। और नेट फोर्स निकालने हैं ब्लॉक का, तो इसी ब्लॉक का लिख रहे हैं बेटा 5 kg का, उसको कंसीडर मत करना, क्योंकि तो मैंने FBD 5 kg का बनाया ओनली। तो नेट फोर्स ऑन 5 kg, तो 5 × एक्सेलरेशन मान लो इसमें कितना है ब्लॉक में, ए, तो ए इसलिए एक्सेलरेशन आ गया 2 m/s². अब जरा सोचो ये हमसे क्या कह रहा है, कितने टाइम में ये ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। तो एक बात और बताओ, अगर मैं ब्लॉक किसकी बात करूं, ब्लॉक स्मॉल एम की बात करूं, तो ब्लॉक स्मॉल एम पर केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं है। ये एक तो mg है आपका, और जैसा कि मैंने ब्लॉक और सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में, सरफेस के बिटवीन बिटवीन नॉर्मल रिलेशन n1 माना है, इसलिए n1, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, n1 बराबर mg, तो इसको चलाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इस पे को चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि इस पे कोई नेट फोर्स ही नहीं है जो इसे मोशन में लाए। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम जीरो, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो।
इस ब्लॉक का एसलरेशन 0 है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सोचा है मैंने ये सब, ठीक है चलिए। और ये सब मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इतना है तो इनिशियली अगर हम ये मान लें कि दोनों ब्लॉक रेस्ट में हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, तो टी बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब बताओ ये तो एक्सलरेट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, नीचे वाला ब्लॉक मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, तो ये यहीं की यहीं रुका रहेगा और ये एक्सलरेट होके आगे चला जाएगा। जब ये एक्सलरेट होके कितना आगे चला जाएगा सोचो, अगर इमेजिन करो कि अगर ये एक्सलरेट होके ये वाला ब्लॉक आगे आ जाए ऐसे यहाँ, ये कितना 16 सेंटीमीटर आगे चला जाए एक्सलरेट होके, तो क्या ये ब्लॉक नीचे गिर पड़ेगा? तो ये ब्लॉक जैसे ही एक्सलरेट होकर आगे चला जाएगा, ये रेस्ट में रहेगा, तो ये ब्लॉक जैसे ही ये 5 kg वाला ब्लॉक आगे आएगा ऐसे कितना 16 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से दूसरे एंड से गिर पड़ेगा, सोचो। तो इतना ही टाइम लगेगा इसे गिरने में, सेपरेट होने में, तो टाइम निकालना है तो ये कितनी डिस्टेंस चल लेगा, 16 सेंटीमीटर। तो फॉर ब्लॉक 5 kg के लिए लिखें तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये देखो, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन की 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस आर यू टी प्लस आप ए टी स्क्वेयर। लेकिन सब केस मैंने ये माना कि इनिशियल स्टेज 0 है, अभी दूसरे मेथड से भी कर दूंगा इसको। एस कितना है? 16 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल लेना उसे, 16 × 10^-2 m, इनिशियल स्टेज 0, टाइम निकालना है, प्लस आप ए कितना है 2, और टाइम निकालना है टी स्क्वेयर, 2 से 2 कट गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 16 × 10^-2, तो टी आ गया रूट के अंदर 16 × 10^-2 मतलब 4 × 10^-1, दैट मीन्स 0.4 सेकेंड। इतने सेकंड में वो ब्लॉक क्या कर जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ये तो फर्स्ट के मेथड हो गया। सेकंड मेथड में हम ये एज्यूम कर सकते हैं उसमें कि जो ब्लॉक है वो इनिशियली रेस्ट में नहीं है, दोनों मूव कर रहे हैं इनिशियली फोर्स लगाने से पहले, है ना। तो जैसे ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये वाला ब्लॉक था आपका स्मॉल एम, मान लो ये भी यू वेलोसिटी चल रहा है और ये भी इनिशियली यू वेलोसिटी चल रहा है, अगर दोनों चल रहे होंगे तो जानते हो ये गिरेगा कब, सेपरेट कब होगा? जब इसके द्वारा कवर की डिस्टेंस इससे ज्यादा हो। तो मान लो सेपरेट होने की कंडीशंस क्या है, कंडीशन सेपरेट करने की कि ये ब्लॉक ए मान लेता हूँ और ये ब्लॉक बी मान लेता हूँ, ठीक है इसे ब्लॉक बी मान लेते हैं, तो ब्लॉक ए द्वारा कवर की गई डिस्टेंस ऐसे ग्रेटर हो बी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस है, तब वो सेपरेट हो सकता है। मतलब एस ए द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बी वाले द्वारा से कवर की गई डिस्टेंस से कितनी ज्यादा हो, 16 सेंटीमीटर। सोचो अगर ये 16 सेंटीमीटर, ए और बी दोनों ही चल रहे हैं तो दोनों ही डिस्टेंस कवर करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर ए वाला ब्लॉक बी वाले से कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ले, 16 सेंटीमीटर, तो सोचो ये वाला बी गिरनी पड़ेगा पीछे की तरफ, अगर इनिशियल स्टेज सेम मान रहे हो तो बेटा, ठीक है। तो फॉर ब्लॉक बी के लिए लिखें ब्लॉक बी, क्योंकि तो उस ब्लॉक बी में कोई एसेलरेशन नहीं है, इनिशियल स्टेज तो यू मान ली तुमने ब्लॉक बी की, लेकिन एसेलरेशन तो 0 है, और कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करा, टी टाइम में, मान लो टी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस कितनी कर एस बी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि इसमें एसेलरेशन नहीं भाई, एसेलरेशन 0 है, तो सीधा सीधा लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम, ये इनिशियल स्पीड है। एंड ब्लॉक ए की चर्चा करें, ब्लॉक ए की बात करें तो उसमें तो एसेलरेशन है ना ब्लॉक ए में, इसलिए उसकी डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, एस ए बराबर इनिशियल एस टी यू टाइम टी प्लस हाफ एसलरेशन ए और टाइम टी स्क्वेयर, टाइम ऑफ इवेंट तो सेम रखेंगे दोनों का, टी टाइम इंटरवल में जितनी ये डिस्टेंस चला है उतने टाइम में ये कितनी चलना चाहिए,
एस बी प्लस 16 सेंटीमीटर चलना चाहिए, तब वो सेपरेट होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालूं तो ऐसे की वैल्यू जो आपकी होगी इनिशियल एस टी यू टाइम टी प्लस हाफ, चलो दोनों क्वेश्चनों को बराबर कर लो। देखो ये दोनों वैल्यूओं को आप इसमें पुट कर दो, इसमें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे कितना, ऐसे है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ये कितना है यू टी, यू टू से यू टी से यू टी कट गया है ना। हमने क्या कर दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे बराबर एस बी प्लस 16 है ना बेटा, इसमें पुट करना है, सेंटीमीटर में बदल लो इसको, माइनस के 2 सेंटीमीटर था ना बेटा ये मीटर में, ऐसे की वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एस बी की वैल्यू यू टी प्लस 16 × 10^-2, यू टी से यू टी कैंसिल, हाफ ए की वैल्यू कितनी है 2 और टी निकालना है तो 16 × 10^-2, 2 से 2 कैंसिल एंड टी इज इक्वल टू वही 0.4 सेकेंड, सेम आ गई। देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 4.4 सेकेंड होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।